ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे वीडियोस में मैं ये बताती हूँ कि आपको अपने प्राइवेट पार्ट की क्यों मसाज करनी चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, जब मैं बताती हूँ ना कि तो बहुत लोगों ने ये पूछा है कि मैम आप इस मसाज को करना कैसे होता है, कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में एलिबरेटली बताओ। देखिए, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बहुत पहले इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, अपने चैनल में डाल चुकी हूँ, बट वो वीडियो काफ़ी पुरानी है तो हो सकता है कि सबके पास वो वीडियो ना पहुँचे, बट उस वीडियो के लिंक मैं ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की। अदरवाइज़ ये वीडियो फ्रेश तरीके से बना रही हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे, 3 पार्ट्स मिलेंगे। पहले बताऊंगी कि मसाज से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, दूसरे पार्ट में बताऊंगी कि कौन से तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, और तीसरे पार्ट में मैं प्रॉपर डेमोंस्ट्रेशन के साथ यानी कि पूरे तरीके से बताने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ कि इस मसाज को करना कैसे होता है, यानी कि एक मेल पार्टनर किस तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो मसाज करने के दौरान हैंड प्रैक्टिस कर लेते हैं गलती से, क्योंकि ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, उनको प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है, कुछ फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है और वो भूल जाते हैं कि मसाज कर रहे थे और वो फिर हैंड प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें, प्रॉपर तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मसाज करनी चाहिए ताकि आपको बेनिफिट्स मिले। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा भी स्किप करोगे बहुत कुछ मिस कर जाओगे। पहले पार्ट में ये बताने वाली हूँ कि इस मसाज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, आपकी पूरी की पूरी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो आपके प्राइवेट ऑर्गेन पे ही डिपेंड है। अगर वो औजार आपका सही नहीं रहा तो आप कितना भी कुछ कर लो आपका कोई काम नहीं आने वाला है। तो इसीलिए अगर आप डेली बेस पे अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करते हो तो उस केस में पहली बात कि आपकी इरेक्शन इशू सॉल्व होती है, बिकॉज जो आपके प्राइवेट पार्ट में वेन्स हैं, नर्व्स हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी डैमेज है वो रिपेयर होता है, ब्लॉकेज खुलती है काफ़ी हद तक, आपकी ऑल ओवर जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है, मसल स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो हो पाता है, काफ़ी अच्छी तरीके से वो वेन्स खुल पाते हैं और स्किन पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। बहुत लोगों को इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, हाइजीन का ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, तो उस केस में रैश की प्रॉब्लम, तो इनसे भी वो काफ़ी हद तक बच सकते हैं अगर सही तेल का इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ अगर किसी को पीई की शिकायत यानी कि प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, मसाज के दौरान सही तेल का इस्तेमाल उन्हें पी की प्रॉब्लम से भी राहत देने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि आपके प्राइवेट पार्ट की जो स्कैप सेक्शन है ना वहाँ पे ही सेंसिटिव फाइबर्स और सेंसिटिव ग्लैंड्स हैं और इसके ओवर सेंसिटिविटी से ही कहीं हद तक आपको अर्ली डिस्चार्ज की शिकायत होती है, तो उससे भी आप निजात पा सकते हो। अदरवाइज ये आपके साइज को, आपके गिर्थ को इम्प्रूव करने मदद करता है अगर टीनेज एज में ही आप अच्छे से मसाज करते हो जिस एज में आपके प्राइवेट पार्ट की डेवलपमेंट होती है। तो शॉर्ट में मैंने ये तो बता दिया कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर पाते हो, आपका टाइम भी बढ़ता है, आपके हाथों में कंट्रोल आ जाती है। अब बात करते हैं कौन सा तेल इस्तेमाल करें। अगर आपको प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की शिकायत नहीं है, आपका जल्दी गिरता नहीं है, इरेक्शन को आप डेवलप करना चाहते हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने हेल्थ को, अपने सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपने इरेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, बेड पर लंबा टिकने के लिए आप रोज मसाज करना चाहते हो, तो उस केस में सिंपली आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री जैतून का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की शिकायत है तो उस केस में आप नारियल तेल के साथ लौंग ऑयल को मिला के मसाज कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल होता है दोस्तों, महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद देखोगे कि हाँ आपकी जो ये सेंसिटिविटी की शिकायत है वो दूर हो रही है। अदरवाइज आप सरसों के तेल का भी, बट वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, मैं बार बार बता रही हूँ, सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो ऑर्गेनिक हो, वो हर्बल हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। मतलब कि आप दुविधा में हो, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा तेल इस्तेमाल करें, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑयल अवेलेबल हैं जो खास तौर से आपके प्राइवेट पार्ट के मसाज के लिए ही आता है, और मैं हमेशा ही आपको आयुर्वेदिक और नेचुरल चीज़ ही रिकमेंड करती हूँ जो विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट केमिकल मिलता है, आपके हेल्थ के लिए सेफ होता है। जैसे कि आप चाहो तो मेंश्योर के ग्रोलॉन्ग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, बहुत ही अच्छा रिव्यू है इस तेल का, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है, मुझे मेल करके बताया है, इसीलिए मैं फिर से रिकमेंड कर रही हूँ कि आप मेंश्योर के ग्रोलॉन्ग ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करो। ये बजट फ्रेंडली है, इसमें जितने सारे की इन्ग्रीडियंट्स हैं ना वो सारे नेचुरल हैं, ये हर्बल है, यानी कि कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं देता। जैसे कि जिंजर ऑयल हो गया, यानी कि अदरक का तेल हो गया, इसमें विंटर ग्रीन ऑयल होता,
होता है, श्री गोपाल ऑयल होता है, लौंग ऑयल होता है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, केसर हो गया, जायफल हो गया। ये जो पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन है, इतनी सारी जड़ी बूटियों की जो मिलावट है ना, वो आपके ऑल ओवर सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए आपके प्राइवेट पार्ट की जो वेन्स है, जो नर्व्स है, उसको खोलने में, अगर उसमें कोई भी डैमेज है उसको इम्प्रूव करने में, इरेक्शन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। बहुत लोगों को साइज इसीलिए छोटा दिखता है क्योंकि उनका इरेक्शन 100% नहीं होता, एंड दैट केस दिस कैन हेल्प यू प्रॉपरली। सो यूज़ करने का कोई भी झंझट नहीं है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आईसी सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है दोस्तों, बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल प्रॉकेट फ्रेंडली है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो, और कूपन कोड भी आपके लिए अवेलेबल है, उसको लगाने से आपको काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये तो हमने पता कर लिया कि कौन से तेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आई रिपीटेड, आप जैतून का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, या फिर आप नारियल के तेल के साथ लौंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सारे ऑयल में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके प्राइवेट पार्ट के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा तेल इस्तेमाल करें, तो दिस कैन हेल्प यू। अब बात करते हैं कि कैसे मसाज करनी चाहिए, तो चलिए आप फिर डेमोन्स्ट्रेशन आपको देते हैं कि कैसे मसाज करनी है, सही तरीका क्या है, और तरीके से करने से आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिलता है कम टाइम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहले उन तेल को अपने हाथों में लेना है जिससे आप मसाज करोगे। मैंने उस ऑयल का इस्तेमाल किया है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। कुछ बूंद लेने के बाद, कि 8-10 बूंद ले तो काफ़ी है, और ये मान लीजिए कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो है, और मैं, आप देख रहे हो कि मैं कैसे इसको मसाज दे रही हूँ। ये है बेस, और इसको बेस से ऐसे टॉप तक सीधे डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन मसाज देनी है, और कैप सेक्शन को ट्विस्ट करते हुए देनी है, क्योंकि इसी कैप में सेंसिटिव ग्लैंड्स और फाइबर्स हैं। और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ऐसे मसाज करनी है। ऐसे मसाज करने से, ऊपर के नीचे की तरफ ऐसे मसाज करने से, आपकी जो सेंसिटिव ग्लैंड्स हैं, जो वेन्स हैं, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी कम होती है, और प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व होती है। और ऐसे बेस से टॉप तक, और टॉप से बेस तक जब आप मसाज करते हो ऐसे ट्विस्ट करते हुए, तो ये आपकी जो वेन्स है, जो डैमेज नर्व्स हैं, उसको ये काफ़ी हद तक रिपेयर करने में मदद करता है, इससे रिपेयर होती है। और ऐसे फ्रिक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं देनी है आपको, हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से बेस से टॉप तक, और टॉप से बेस तक ऐसे हल्के हल्के हाथों से अपने फिंगर की मदद से मसाज देनी है। ऐसे ट्विस्ट करते हुए आप दे सकते हो, उल्टे डायरेक्शन में भी आपको ट्विस्ट करके देना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, ज़ोर ज़ोर से फ्रिक्शन नहीं देनी है, और टॉप से बेस तक देनी है, टॉप को ट्विस्ट करते हुए देनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैप सेक्शन में ही होती है। तो ऊपर से नीचे तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ कुछ सेकंड के लिए ही देनी है, और इससे ही काम हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कैसे मसाज करनी है, और ऐसे अगर आप मसाज करोगे तो काफ़ी कम समय में काफ़ी लंबा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।